हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ इंडियन एयरफोर्स नेवी का SSR-AA-MR का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोल रहे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ 1/x। तो हमें जो फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे एफ एक्स का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू 1/x दिया हुआ है और हमें जो फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू चूंकि दिया हुआ है 1/x, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1/x और 1/x को अपने तरफ से पी मान लिया। तो अब जो फंक्शन बन गया वो फंक्शन बन गया एफ ऑफ पी, और चूंकि एफ एक्स का वैल्यू एक्स है इसलिए एफ पी का वैल्यू पी हो जाएगा। एफ पी का वैल्यू सॉरी एफ एक्स का वैल्यू एक्स है तो एफ पी का वैल्यू पी हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन गलती किया हुआ है, पी हो जाएगा। और उसी तरह से हम पी को माने हैं 1/x, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1/x। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का मतलब है 77 नंबर। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट का इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। लिमिट बोल रहा है थीटा टेंस टू 0 है, साइन 5 थीटा अपॉन टेन 6 थीटा है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे करेंगे। हमें लिमिट दिया हुआ है थीटा टेंस टू 0 है, साइन 5 थीटा अपॉन टेन 6 थीटा करना है। तो हम पहले इसको किए साइन 5 थीटा को 5 थीटा से मल्टीपल किए, 5 थीटा से डिविजिबल किए। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जो फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में बन जाएगा। उसी तरह से नीचे वाला जो टेन 6 थीटा है उसको 6 थीटा से मल्टीपल करेंगे और 6 थीटा से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से नीचे वाला जो फंक्शन है वो टेन थीटा बाई थीटा बन जाएगा। तो अब जो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा बाई थीटा 1 और टेन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू 1 होता है, और थीटा टू थीटा कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/6, जो कि कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का वही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 1/x का 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जी हाँ, 1/x का जो बनेगा वो -1/x² बनेगा। तो ये बिल्कुल फार्मूलेटिक क्वेश्चन है, या फिर इसको सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। हम तो सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली इसका आंसर ही याद रखिए। 1/x को अगर हम लोग करेंगे तो -1/x² का होता है। क्यों? क्योंकि एक्स की जो है पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और इसका डिफरेंशिएशन बनेगा -1 को बाहर करेंगे और एक्स के पावर आप घटाएंगे तो -2 बनेगा। तो -1/x ऊपर -2 है तो नीचे जाएगा तो -+x² बनेगा, तो -1/x² इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x log x माइनस एक्स है, तो इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए डिफरेंशिएशन इसका देखते हैं। वा एक्स लॉग एक्स है, इसको u इंटू वी पे तोड़ सकते हैं, और x का तो हमें पता ही है कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए दिखाते हैं इसका आंसर। y बराबर x log x माइनस एक्स है, तो एक्स को बाहर किए तो लॉग एक्स का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, और -1 कैंसिल होगा तो यहाँ लॉग एक्स सिर्फ बचेगा। डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ लॉग एक्स का सिर्फ लॉग एक्स बचेगा, और ये इसलिए कट जाएगा क्योंकि 1/x और एक्स एक्स कैंसिल आउट होकर यहाँ वैल्यू 1 बचेगा, और ये 1 और ये -1 कट जाएगा तो ये सिर्फ बच जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा लॉग एक्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर है लॉग एक्स, और लॉग एक्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉस के पावर क्यू एक्स है, और इसका बोल रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है कॉस क्यू एक्स का, कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेट करना है। चलिए दिखाते हैं। कॉस क्यू एक्स को पहले दो टर्म में तोड़ा, कॉस स्क्वायर और कॉस में, और कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/sin 1 - sin² और इसको कॉस एक्स डी एक्स लिखा। साइन एक्स को टी माना तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन बनेगा कॉस एक्स डी एक्स और इसका बनेगा डी टी। और उसके बाद से साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ 1 तो 1 रखा, साइन एक्स को टी माने हैं तो 1 - t² बना, और कॉस एक्स डी एक्स को लिखा डी टी, तो यहाँ का डी टी बन गया। अब हम लोग डी टी को अलग अलग इसके करेंगे तो 1 dt - t² dt, और डी टी का बनेगा टी, और t³ का बनेगा t³ - t³ बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टी। हम किसको माने थे? तो टी माने थे साइन एक्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स माइनस
साइन एक्स का क्यूब बाई थ्री, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत किया हुआ था, यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया था जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो माई बाई मिस्टेक मेरे से हुआ है। तो टी स्क्वायर का यहाँ पे टी क्यू बाई थ्री बन जाएगा और टी के जगह पे साइन एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 81 नंबर हमें बोल रहा है कि एक्स डी एक्स का क्या होगा इसका मॉडुलस का इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको तो देखते हैं, हम लोग जब भी मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो मोड के अंदर जो भी फंक्शन रहता है उसको इक्वल करते हैं जीरो के। तो एक्स बराबर जीरो हुआ, इसको दो टर्म में तोड़े, माइनस वन से जीरो और जीरो से वन, दो टर्म में तोड़ा जाता है, ये बन जाता है मिडिल टर्म। उसके बाद जीरो से माइनस वन के बीच में इसका वैल्यू माइनस होगा, एक में होगा प्लस, जीरो से वन में प्लस। तो अब इसका इंटीग्रेट करा के और लिमिट रखने पे जो भी सॉल्यूशन करके आएगा उसका आंसर वही हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत आसान था, सिर्फ सीखना ये था कि हम लोग कैसे कैसे इसका मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को एक बार माइनस एक बार प्लस में तोड़ते हैं, वो मिडिल टर्म के बहुत मिडिल टर्म पे ही टूटता है। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो जो मॉडुलस के अंदर रहता है उसका इक्वल जीरो करते हैं। देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 में। 82 नंबर बोल रहे हैं एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री सॉरी, का मॉडुलस 1 to 2 है। अब यहाँ पे सेम सवाल है लेकिन डिफरेंट ये है कि इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मिडिल टर्म जैसे ही निकालेंगे आप, तो मिडिल टर्म निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 आएगा जो 1 और 2 के बीच में नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो मिडिल टर्म आए वो दोनों के बीच में हो ही नहीं, तो वैसे केस में हम लोग जो करते हैं वो फाइंड आउट सॉल्यूशन जो करते हैं वो करते हैं 1 से लेकर 2 तक, एक्स का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो माइनस में लेंगे और चीज़ें फिर सॉल्यूशन कर देंगे अलग पार्ट में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 3 का 3x होगा, उसके बाद लिमिट रखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, मिडिल टर्म निकालते हैं, अगर मिडिल टर्म नहीं होता है तो फिर निगेटिव करके उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंदु ए प्लस बी, बी प्लस सी और एक ए माइनस बी और बी सी माइनस बी दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में एरिया, दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र बिल्कुल आप जानते होंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो देख पा रहे होंगे एक कोऑर्डिनेट्स ए प्लस बी, दूसरे है बी प्लस सी और फिर नेक्स्ट है ए माइनस बी सी माइनस बी। तो दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से जो आएगा वो और चीज़ें नीचे कट जाएगा और 4b² 4b² और बाहर जो लेंगे कॉमन 2b निकलेगा और अंदर बनेगा 2√2b। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दूरी सूत्र का यूज करके इसका आंसर निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 84 नंबर, √3x − 3y = 3 है, इसका प्रवण ज्ञात करना है, यानी कि स्लोप ज्ञात करना है। बिल्कुल सही सुना आप, स्लोप जिसको बोलते हैं टेन थीटा, यानी कि बोल सकते हैं कि एक्स का कोऑर्डिनेट्स होता है। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ से √3x − 3y = 3 है, तो यहाँ से हम अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ होता है y बराबर mx + c के फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan थीटा वही x का कोऑर्डिनेट्स होता है। यानी कि अगर जनरल इक्वेशन होता है y = mx + c और यही m होता है स्लोप, तो इसलिए हम इसको जनरल इक्वेशन में y = mx + c वाले में कन्वर्ट किए। तो यहाँ m जो बना x का कोफिशियंट यानी कि 1/√3 वो बन जाएगा इसका स्लोप पर वन या ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, दिया हुआ है और हमें इसका केंद्र निकालना है, यानी कि अगर किसी भी सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा हमें सेंटर निकालना रहेगा, तो पहले उसको जनरल इक्वेशन में 2f 2g फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा सर्किल का इक्वेशन जो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग 2g फाइंड आउट करेंगे। जो x का कोफिशियंट होता है वो 2g होता है और जो y का कोफिशियंट होता है वो 2f होता है। तो g का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से वो -3 निकलेगा, f का वैल्यू निकलेगा वो -1 निकलेगा। उसके बाद जो हम लोग सेंटर निकालते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट्स या उसका जो फार्मूला होता है वो होता है -g और -f, वो केंद्र का फार्मूला होता है। तो g आया था खुद ऑलरेडी माइनस में तो वो --3 हो गया, और एफ भी आया था माइनस में तो --3 हो गया। तो ये रिजल्ट बन गया 3 और 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है और एक सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको कब स्पर्श करेगी, मतलब कि किस कंडीशन को फॉलो करेगी, तो स्पर्श करेगी मतलब टच करेगी। तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए इसके लिए कंडीशन, तभी जो वृत्त के इक्वेशन को ये जो रेखा है उसको हम लोग उसको टच करेगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा दिया हुआ है और एक परवलय दिया हुआ है, यानी कि पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको कब स्पर्श करेगी, देख इसको स्पर्श करती है तो हमें नाभिलंब की लंबाई निकालना है, यानी कि एक पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और एक सिंपल लाइन का इक्वेशन दिया है, बोल रहा है कि एक दोनों को स्पर्श करता है, तब स्पर्श करेगा तो नाभि की लंबाई कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है इससे हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाले कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा एम जो होता है एक्स का कोफिशियंट माइनस टू बाई थ्री होगा, जो कि बताएगा कि ये स्लोप है, प्रवणता है, और नेक्स्ट सी का वैल्यू जो देगा वन बाई थ्री देगा। और हम लोग स्पर्श के लिए प्रतिबंध का फार्मूला जानते हैं कि पाराबोले के लिए होता है सी बराबर ए बाई एम, तो सी का वैल्यू वन बाई थ्री है, यहाँ से ए का ये छोड़ देंगे, एम जो स्लोप मिला है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए का वैल्यू जो मिलेगा वो माइनस टू बाई नाइन मिलेगा, और हम लोग जानते हैं कि नाभिक का लंबाई का फार्मूला होता है फोर ए, तो ए को इसके साथ मल्टीपल कर देंगे जो आया है माइनस टू बाई नाइन, तो इस फार्मूले से आ जाएगा एट बाई नाइन, माइनस एट बाई नाइन, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एट बाई नाइन, तो ये करेक्ट हो जाएगा नाभिक की लंबाई का फार्मूला, तो माइनस एट बाई नाइन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 4q प्लस 5q प्लस 6q 10q तक ऐसे में एडिशन करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर क्यू लगातार कोई संख्या रहे, अगर उसका क्यू करना रहे तो हम लोग 1, 2 लास्ट तक लेते हैं, उसके बाद जो भी घट रहा है चीज़ें उसको हम लोग बाद में घटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले एक से लेकर हमको नहीं चाहिए था, हमें 4 से क्यू से लेकर 10 के क्यू तक चाहिए था, तो हमने क्या किया, पहले टोटल जोड़ लिया एक से और बाकी एक से लेकर 3 तक के घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें जो 4 से लेकर 10 तक ही निकला क्योंकि यहाँ पे हमने खुद से उतना घटा लिया है, जो कि फार्मूले पे बन गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का हॉल स्क्वायर, इसको भी 3 तक के हॉल स्क्वायर किया तो जो यहाँ पे बनेगा वो 55 का स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा और इस पे घटाएंगे तो बनेगा 29.89, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं 29.89 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट बोल रहा है, एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का स्क्वायर प्लस दो, तीन का स्क्वायर प्लस तीन, चार का, ऐसे करके है, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले स्क्वायर वाले को एक तरफ और बिना स्क्वायर वाले को एक तरफ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए है क्वेश्चन, एक क्यू प्लस एक, दो क्यू प्लस दो, तीन क्यू प्लस तीन, तीन स्क्वायर प्लस तीन, ऐसे करके एन स्क्वायर प्लस एन तक है, हमने किया स्क्वायर को एक तरफ और प्लस को एक तरफ बिना स्क्वायर वाले को, तो इसका फार्मूला होता है अगर लगातार स्क्वायरिंग रहे तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और जो लगातार रहेगा उसको एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद जो कट उठ के आएगा वो ऐसा फंक्शन में आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन थ्री, तो ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, एक स्क्वायरिंग वाला याद रखिएगा, एक लगातार वाला, दोनों को याद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा और जो आंसर आएगा जो सॉल्यूशन करने के बाद वो मैच करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा के पावर फोर, वन प्लस ओमेगा का पावर फाइव, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए आप जानते ही होंगे कि वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है और ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है, ऐसे सिचुएशन में ये दो फार्मूले बिल्कुल याद रखिए, ओमेगा क्यू का वैल्यू वन और वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो। तो वन प्लस ओमेगा को वन प्लस ओमेगा रखा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन पावर फोर है इसको हम लोग तीन और एक में कन्वर्ट करके तोड़ दिया,
और इसको भी 5 है तो 3 और 2 में कन्वर्ट किया, ऐसा करने से ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है तो वो 1 ही रह जाएगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस ओमेगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ऐसे करके सबको कन्वर्ट किए तो यहाँ बनेगा ओमेगा का क्यू और ओमेगा का क्यू। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ओमेगा का क्यू का वैल्यू 1 और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 और 1 1 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1। तो देखिए चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, आंसर इज बनेगा इसका 1, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 110 प्लस आयोटा के पावर 1000, तो इसको चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको। एग्जाम में जरूरी है कि आयोटा के पावर 4 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है और आयोटा के पावर 2 रहेगा तो उसका वैल्यू -1 होता है। इसको हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग आयोटा के पावर 4 में का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हमने इसको क्या किया 10 को कि 4 का 4 दूना 8 और 2 बचा एक्स्ट्रा, इसको भी 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 4 के पावर 27 होगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो 4 बार में पूरा 250 कट जाएगा, तो यहाँ जहाँ आयोटा का पावर 4 है वहाँ वैल्यू 1 रखेंगे और जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ वैल्यू -1 रखेंगे, तो चीज़ें टोटल कट के 0 आ जाएगी। इस तरह से 91 का आंसर 0 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं इस सेट का इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये बिल्कुल आसान है, हमने किया है अप्लाई R1 में R1 माइनस R2, चूँकि ऐसे इसमें अप्लाई वैसे ही किया जा सकता है जहाँ से 0 बने, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 बन रहा है, तो R2 में अप्लाई किए हैं R2 माइनस R3, R1 में अप्लाई किया R1 माइनस R2, तो जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्लस माइनस प्लस, सिर्फ 1 को लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो सही होगा। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया है XY, तो यहाँ XY ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो नंबर दिख रहा है वो NCR-R-1 प्लस NCR है, इसका सम क्या होगा, तो इसका हमें सम बताना है कि इसका सम करने पे क्या होगा। तो ये फार्मूला है, इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज है कि इसका जो बनेगा NCR-1 प्लस NCR का जो सम होगा वो N+1 CR के बराबर होगा, तो इसका दूसरा नंबर सही होगा होगा ऑप्शन। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक पास में फेंकने से 3 आता है, 3 आता है, 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 अकेला ऊपर आएगा तो 1 ही होगा। नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करें तो टोटल 6 होगा, क्योंकि पास एक ही पासा को फेंका गया है, तो 3/6 का मतलब हुआ 1/2। नेक्स्ट PA और PB और PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया है और हमें फाइंड आउट करना है P not A इंटरसेक्शन नॉट B, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं चलिए देखते हैं। हमें जो दिया है PA का वैल्यू, PB का वैल्यू और A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन नॉट B। तो नॉट A इंटरसेक्शन नॉट B का जो फार्मूला बनेगा वो बनता है A यूनियन B का नॉट, यानी कि नॉट A यूनियन B, और ये बनेगा 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे पी ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 3/8, पी बी का वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन का भी का वैल्यू बैठा देंगे और सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13/24, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिखाते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि A परपेंडिकुलर B है, यानी कि A वेक्टर B पे परपेंडिकुलर है, तो A डॉट B का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि A डॉट B cos थीटा होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। A और B के बीच में कोण निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल आसान है। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फार्मूला होता है cos थीटा का कि A डॉट B अपन मॉड A मॉड B, तो A और B को डॉट कर दीजिएगा और नीचे मॉड A मॉड B कर दीजिएगा, जो थीटा का वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने पे -8/5√29 आएगा, जो कि इस पिछले बहुत सारी सेटों में ऐसा हम लोग सवाल मिल चुका है कि डॉट प्रोडक्ट को से हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98 नंबर, लॉग टू बेस में सब है 2, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, ऐसे करके हमको इतना 16 का फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। 16 को लिखा 2 के पावर 4 और 4 जैसे ही बाजू में आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि बेस और पावर सेम रहता है तो दोनों का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे 4 बना तो अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 बाहर हुआ तो 2 फिर से बन गया 1, और अब की 2 जैसे ही जाएगा तो बेस और ये दोनों सेम रहता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1।
बन जाएगा 98 का एक आंसर आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। और कोट इन्वर्स कोट पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होगा, तो कोट इन्वर्स कोट पाई बाई फोर को हम लोग लिख सकते हैं, कोट इन्वर्स कोट एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स का जो वैल्यू है माइनस पाई बाई से पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं, दो टर्म तोड़े हैं पाई और पाई बाई फोर। ऐसा करने से कोट पाई प्लस थीटा होता है कोट थीटा, इसलिए इसको कन्वर्ट किए कोट इन्वर्स कोट थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर। तो कोट इन्वर्स कोट थीटा थीटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है यानी कि अंदर वाला का जो वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, इसलिए इसका आंसर बनेगा पाई बाई फोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, लॉग एन के पावर एम है टू दी बेस एन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये जो एन है ना वो वन बाई एन के उसके पीछे में चला जाता है और लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए बच जाता है, तो ये सही इसका प्रॉपर्टीज है, इसका रूल है, प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का, तो 100 का एक ऑप्शन नंबर सही होगा। इस तरह से आज का 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।